Monkey. चार प्लेसेस हैं जहाँ जा सकते हैं, तो जो फर्स्ट और जो लास्ट वाला है वो थोड़ा एडवांस्ड लोगों के लिए है, सेकेंड एंड थर्ड इज फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट। सो पहली बार कर रहा हूँ तो आई विल चूज द सेकेंड वन विच इज समिट वेस्ट। तो इफ़ यू सी समिट वेस्ट, तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि लिफ्ट का स्टेटस क्या है। तो ये रोज़ चेंज होता रहता है, तो जैसे कि आज ये वाली चेयर्स नहीं चल रही हैं, तो चेयर होती है कि मेरे को एक हाइट से दूसरी हाइट तक जाना है। है ट्रेल स्टेटस, तो जितनी भी ट्रेल्स हैं यहाँ पे पैदल चल के भी जा सकते हैं एक हाइट पे, एंड वहाँ से फिर स्की करते करते नीचे आ जाओ। तो मेरा टिकट है, मैं सोच रहा हूँ ये चेयर वाली लेने की, कि जिसमें ये लिखा हुआ है जैसे सेंट बर्नर्ड, लिटिल थंडर, जूलियस चेयर, ये इंक्लूडेड है। सिंस हमें रेंटल लेने हैं तो मैं डेली रेंटल्स पे जाऊँगा, स्की रेंटल, समिट वेस्ट। तो हमें स्की, स्की पोल्स और स्नो बूट्स सब चाहिए, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा ऑप्शन एडल्ट्स एंड हाँ। तो ये दोनों चीज़ें, चेयर्स इज ऑप्शनल बट स्की रेंटल आप अपना भी लेके जा सकते हो, बट आई एम गोना परचेज फ्रॉम हियर क्योंकि मेरे पास है नहीं एंड पहली बार कर रहा हूँ। तो मैंने फाइनली बुक करी ली थी यार टिकट की, देखो जो होगा देखा जाएगा, जो चल रही होगी, जो लिफ्ट चल रही होगी, किस्मत है चल रही होगी नहीं चल रही होगी, क्योंकि फ़ायदा तो उसी में है, हाइट के ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का। तो अभी जाते हैं फॉर रेंटल कार पिकअप एंड स्नो कॉल भी वेस्ट की ओर। तो अभी थोड़ी देर के लिए स्टारबक्स में रुके हैं, पिक लेने के लिए फिर निकलते हैं। बट फाइनली रीच्ड, ये वेस्ट समिट है, इधर स्नो पड़ रही है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जो रेंटल्स बुक करे थे वो लेते हैं एंड देन फिर स्कीइंग करने चलते हैं। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है अभी। हाँ आज सही है, वहाँ पर इतनी लंबी लाइन रेंटल्स के लिए, लिफ्ट टिकट्स के लिए अलग लाइन है एंड ये वाली लाइन है फॉर रेंटल्स। आधे लोग वहाँ लगे हैं, मैं यहाँ लगा हूँ जस्ट टू सेव टाइम। तो जो लेफ्ट वाला काउंटर है दैट इज़ फॉर पास होल्डर्स, वो बहुत कम है, तो जो लोग ऑलमोस्ट हर वीकेंड आते रहते हैं तो उनके लिए पास खरीदना बेटर है। फाइनली गॉट द टिकट्स। अरे ये तुम लोग रख लो भाई, एक्सपर्ट लोग अपना सामान ले गए हैं। ग्रीन स्मोक, ग्रीन स्मोक भी 20 माइल्स पर आवर से चली आती थी, वो सबसे बेसिक जो ग्रीन है वो शायद सेंट्रल पे जाना पड़ेगा। लेसन्स के टाइम नहीं कर सकते तुम यहाँ पे, एक टाइम फिक्स होता है कि उस टाइम लेसन्स होते हैं तब ये बंद कर देते हैं वन हिल को, क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं, लेकिन शायद 2 बजे खुल जाएगा ये। यहाँ पे दिख ही रहा होगा स्नो कितनी तेज चल रही हो रही है अभी, एंड जो ये वाला एरिया है ना ये टनल सी दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड मैजिक कारपेट। तो ये थोड़ा बिगनर्स के लिए है कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्लोप है, वहाँ तक जाने के लिए सीखने के लिए बेस्ट है। एंड जो ये वाले दो स्लोप हैं जो लिफ्ट लेके जा रही है, ये काफ़ी टफ वाले एंड दे आर द ब्लैक स्लोप्स। मैं अभी मैप में दिखाता हूँ ब्लैक वाले एरियाज़ कौन से हैं, ग्रीन वाले कौन से हैं, मैजिक कारपेट्स कौन से हैं। तो हम पहले तो ग्रीन वाले एंड मैजिक कारपेट्स ही ट्राई करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, उसके बाद हो सके तो ब्लैक वाला एक ट्राई तो मार ही लेंगे। अभी ये जो बंदे से बात हुई वो बता रहा था कि बहुत बुरा गिरते हैं पहली बार में, तो बट ठीक है गिरने से ही सीखते हैं। बाहर से दिखाया अच्छा, दौड़ तक है बहुत भीड़ है यार। सही में भाई आज ऐसा लग रहा है बाहर क्रिसमस ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज स्नो हो रही है। यहाँ फोर ये फॉर्म दिया उन्होंने यहाँ पे साइन करने के लिए, कौन सा लिया जाए डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा तू। क्या है ये? है एक्चुअली टू अल्टर द साइज, वो तो मेरे को भी पता है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन द सीक्रेट इज यू वांट टू टेक द टंग ऑफ द बूट एंड पुल इट ऑल द वे डाउन एंड पुल इट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टो। सो पूजा गो अहेड एंड पुट योर फुट इन एंड एज यू पुट योर फुट इन यू स्टैंड अप, स्टैंड अप एंड जस्ट रियली पुट योर फुट इन, समटाइम्स यू हैव टू पुल, वेरी गुड एंड इट शुड बी अ वेरी स्नग फिट, वेरी स्नग। मैं ये जूता पहनना ना ये इतना मुश्किल है, अकेला बंदा पता नहीं कैसे पहनेगा, इतने लॉक्स हैं एंड ऐसा खींच के पहनना पड़ता है जैसा उसने बेटा मॉन्स्ट्रेट किया। तो एक साइज बड़ा ही लेना चाहिए, मैंने एक साइज बड़ा लिया, मेरा साइज लाइक 9 है तो 9.5 लिया यहाँ पे। उन्होंने ट्रायल के लिए एक ही दिया था, अब दूसरा वाला ले आया हूँ मैं, तो दूसरा वाला पहन के देखता हूँ कैसा है, चलने में तो कम्फर्टेबल है।
जैसे आइस स्केटिंग में चलना होता है वैसे चलना है, इसको पिज़्ज़ा वेज कहते हैं, जो ऐसे करके चलना पड़ता है इंटरनल, थोड़ा सा पैर को इनवर्ड एंगल करके, क्योंकि अगर बाहर चलेंगे तो काफ़ी ऐसे करके पुश आता है जिससे गिर सकते हैं। चलो भाई दोनों जूता रखा रेडी, अब लेते हैं स्कीज। और यहाँ पे जूते रखने के लिए ये रेंटल जिनको पैसे भरने हैं, जिनको नहीं भरने वो मंदिर की तरह ऊपर रख दो। $15 कौन देगा इनको, नहीं है ऐसे ऊपर रखना पड़ेगा। इंडिया वाला साफ थोड़ी है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर होता है, जूते भी इतने में महंगे नहीं है कि वो भी कहते हैं $15 तो होगा। $15 के ऊपर जूते नहीं है। हाँ हेलमेट अपने में सर $30 सर, तो शायद वो चीज़ वो नहीं होगा। फाइनली स्कीज मिल गई, हेलमेट एंड पोल्स वहाँ से उठाने हैं, और 2 घंटे के बाद फाइनली वी कैन स्टार्ट सी। चलो सिखा रहा हूँ कि कैसे पहनते हैं। ओके फाइनली साइज का इशू हो गया था मेरे को, इसीलिए फिट नहीं हो रहे थे, अब ये दूसरे वाले मैं रिप्लेस करा के लाया हूँ, होपफुली ये फिट हो जाए। लेट्स सी, वापस ऊपर जाता हूँ। ये वाले जो दो स्लोप हैं, जो लिफ्ट जा रही है, बहुत ही एडवांस्ड हैं, तो अभी लगता तो नहीं हमारे लेवल के हिसाब से हमें ये करना चाहिए। तो जो मैजिक कारपेट है, वो जो टनल मैंने दिखाई थी, ये हम करेंगे। एंड ये छोटे मोटे ट्रेल्स हैं जैसे ये बच्चे जो कर रहे हैं, ये हम ट्राई करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, तेरी ले रहा हूँ। हाँ भाई इसका तो सही से हो रहा है, देख तेरा भी होना चाहिए। यार पता है तेरा ऑलमोस्ट है, दूसरा वाला ट्राई कर, दूसरा वाला। हो गया। तो टेक्निक ऐसी है कि इसको ऐसे अगर नॉर्मल चलना है तो ट्राइंगल शेप पिज्जा वेज ऐसे करके चलना है। मैं पोज लेके आता हूँ, यही रुक। आई थिंक ऊपर जाने के लिए बेटर वही है कि पैदल बिना स्कीज के चलें एंड ऊपर स्कीज पहन के फिर वापस नीचे आएँ। सही बात है ना। हाँ यहाँ पे स्की नहीं कर पाएगा, यहाँ पे यहाँ से ऊपर ही जा, फिर स्लोप चाहिए। चेंज करा है, क्या करा है? तो ऐसे ऊपर जाना है ना, ऐसे ट्राइंगल शेप में चल के पोल्स के सहारे, तभी जा सकते हैं। तो अभी एक्चुअली यही हुआ कि जो पोल जो स्कीज हमें दे रहे थे, वो बोलते अरे पोल्स क्यों चाहिए तुम्हें, पोल्स बिगनर्स को नहीं चाहिए। और ये अभी ऊपर कैसे चढ़े बिना पोल्स के, यार ये ब्रेक मारने के लिए तो साइड में ऐसे करना पड़ेगा, ये तो पता नहीं कैसे टेक्निक है। ये देखो यार, ये हैं प्रोफेशनल स्कीइंग वाले, ये तो फ़ोन पे बात करते करते भी स्कीइंग कर लेंगे। यहाँ के तो छोटे छोटे बच्चे भी स्केट अपने आराम से कर रहे हैं। हाँ दिखा ब्रेक कैसे मारनी है, तो बॉडी का मोमेंटम ही उसको खींचे। हमें थोड़ा पीछे रख वेट और अभी पोल को जोर से जमा अंदर। हाँ दिक्कत नहीं है थोड़ा तो, हाँ बॉडी वेट आगे की ओर कर। हाँ बस हो गया, चल रहा है बस। अब ब्रेक मार ब्रेक गिर जा, नहीं लग रही ब्रेक। आसान है, सही बता रहा हूँ, सीधा जाना बहुत आसान है। इतने बच्चे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। यस धूम, अबे यार ये क्या है, साइड वाले बच्चे को देख। एक्सीडेंट।
वहाँ खड़े रहना है और ये अपने आप स्टंट कैसे बैठ जाओ। ये तो अपने में इंक्लूडेड नहीं है बिगिनर्स टिकट। अभी लिफ्ट में चढ़ने की तभी हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर से, वो कह रहे हैं कि वापस लिफ्ट में नहीं आ सकते, नहीं तो चढ़ जाते हैं लिफ्ट में घूम के वापस आ जाते हैं। बट ठीक है, बीच में अटक गया तो कौन रोके, कौन बचाएगा। अरे ये तो मुड़ गया, अरे रिवर्स में आएगा क्या? तो फाइनली रिटर्न द रेंटल, अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी जब रेंटल रिटर्न किया ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ मार्क नहीं किया कि केस मैंने क्या लिया था और क्या रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं अब ये लेके घर भी चला जाऊँ तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। थिंक इंडिया में होता तो पक्का कोई ना कोई तो लेके चला जाता, बट यहाँ पे भरोसे के दम पे चलती चीज़ें बहुत सारी, इसलिए लोग ईमानदार हैं, दे अज्यूम कि कर देंगे रिटर्न ईमानदारी से अगली बार। बट बेटर यही है कि सियाटल से ही लेके आया जाए रेंटल इंस्टेड, यहाँ पे डेढ़ घंटा दो घंटा टाइम लाइन में लग के वेस्ट करने का। सीज़न पास भी ले लो तब भी मतलब लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, ऐसा है नहीं सीज़न वालों के लिए प्रायोरिटी लाइन है। आई थिंक ओवरऑल प्रीटी गुड एक्सपीरियंस पहली बार स्कीइंग करने का, एंड स्कीइंग करना बहुत आसान है अगर किसी ने आइस स्केटिंग करी हुई है एंड इनलाइन स्केटिंग करी हुई है, बैलेंस मराना आता है, साइकिल चलाई हुई है, इंस्ट्रक्टर बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यूट्यूब पर टेक्निक देख लो, पोस्चर क्या मेंटेन करना है, मोड़ना कैसे है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग खुद ही हैं, उन्हीं से पूछ लो कि भाई कैसे कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर मैंने देखा यहाँ पे कुछ नहीं सिखा रहे, तो गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सिंपल फंडा है। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, अब यहाँ से निकलते हैं एंड आई थिंक अगली बार आएंगे तो थोड़ा एडवांस वाला भी ट्राई करेंगे। आज स्नो कॉल मी बेस्ट किया है, ऐसे बाकी के तीन हैं वो भी ट्राई करेंगे, बट मेरे को ये भी थोड़ा सा एडवांस लगा जो उसकी ब्लैक वाली ट्रेस थी। Oh my God, चोरी हो गई, डिक्की खुली हुई है। यहाँ पे खाने के लिए आए हैं कैंट एरिया में, ये जनपद इंडियन कुजीन, जनपद सुनकर थोड़ी दिल्ली वाली फीलिंग आ जाती है, तो यहाँ सोचा ये ट्रायल कर लें। ये न्यू जर्सी में मेरे को पता मिलती थी, पर यहाँ पे सूट की दुकान, रवि वीडियो सर्विसेज भी है, ये तो पूरा देसी एरिया है, देसी इलाका अपना बना के रखा हुआ है अभी में, यार काफ़ी सही है। वो वाले रेस्टोरेंट में डाइनिंग अलाउड नहीं था, तो अभी यहाँ पे दूसरे आ गए पास ही में, महाराजा क्यूजीन ऑफ इंडिया। Thank you, that was the end of today's vlog. If you liked it, please like, share and comment, and please subscribe me, and please follow me on Instagram. Bye.